ये हमने शायद डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6। कंफर्म करो, 6 हमने कर लिया था क्या? यस सर। ओके, क्वेश्चन 7 और 8 ले लेते हैं। चलो पहले 7 ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2,000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4,000 कार ड्राइवर्स एंड 6,000 ट्रक ड्राइवर्स। फिर द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट दैट नहीं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली। यानी स्कूटर ड्राइवर के लिए ये है, कार ड्राइवर के लिए ये है और ट्रक ड्राइवर के लिए ये है एक्सीडेंट्स की प्रॉबिलिटी। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, वाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट ही इज़ स्कूटर ड्राइवर। हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है कि पर्सन इज़ स्कूटर ड्राइवर। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। तो बिफोर इंश्योर्ड पर्सन हम ये देखेंगे कि पर्सन क्या है, स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है या फिर ट्रक ड्राइवर है। तो इवेंट्स हमारे हो जाएंगे, इवन हम लिख लेंगे स्कूटर ड्राइवर फर्स्ट इवेंट हो गया, फिर E2 हो गया कार ड्राइवर, फिर E3 हो गया ट्रक ड्राइवर। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, मतलब हम कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल 2,000 हमारे पास स्कूटर ड्राइवर्स हैं, ये फेवरेबल हो गया एंड टोटल विल बी 10 + 2 12,000। ठीक है रोशन, समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी कार ड्राइवर 4,000 है, टोटल आपके पास 12,000 हो गया। फिर ट्रक ड्राइवर हमारे कितने हो गए, 6,000 है फेवरेबल और टोटल आपके 12,000 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हम लिख लेंगे कितना आ गया, इट इज़ 2/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम लिख लेंगे, इट इज़ 4/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हम लिख लेंगे विच इज़ 6/12। तो ए हमारे पास क्या है, ए है एक्सीडेंट। तो ए बाई ईवन मतलब एक्सीडेंट किसका, स्कूटर ड्राइवर। तो इट इज 0.01। फिर ए बाई E2 एक्सीडेंट किसका, जो कार ड्राइवर, 0.03। और ए बाई E3 क्या है, एक्सीडेंट जो कि ट्रक ड्राइवर है, 0.15। तो आपको निकालना है कि ही इज़ स्कूटर ड्राइवर, यानी PE1/A आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लगा लो, PE1 A/E1 डिवाइडेड बाय PE1 A/E1 प्लस PE2 फिर A/E2 एंड फिर PE3 एंड A/E3। ठीक है जी, तो इनकी हम वैल्यू डाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू हो गई, दिस इज़ 2/12 एंड इसका प्रोबेबिलिटी 0.01। ऐसे नीचे हो गया 2/12 इंटू 0.01 प्लस 4/12 इंटू 0.03 प्लस 6/12 इंटू 0.15। तो अपॉन में 12 सब में से कॉमन लेके कट जाएगा, बल्कि 2 भी कट जाएगा, तो ये बच गया। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1/100, ये भी 1/100, तो 2/12 कट जाएगा, तो 2 बचेगा सिर्फ, 3
3/100 और 2/12 चला गया तो 3 बच गया और 15/100 तो 100 भी कॉमन लेकर के ऊपर नीचे से कट जाएगा तो बच गया यहाँ पे 1 तो 1 + 6 + 45 तो 7 1/52 ये आंसर है क्या कंफर्म करो वैष्णवी आपने तो करे हुए हैं कंफर्म करो यही आंसर है क्या ओके फाइन ठीक है जी हो गया सभी का अदिति आपका हो गया यस सर ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कैरलिन आ रहा है समझ में क्वेश्चन नंबर 8 चलो क्वेश्चन क्या कर ये करा दिया था ओके ठीक है फिर इसके अलावा 9th देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर पोजीशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉरपोरेशन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विन्स विल विन ये फर्स्ट ग्रुप के विन करने की प्रोबेबिलिटी है ये सेकंड ग्रुप के विन करने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ठीक है फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स The probability of introducing a new product is this and corresponding probability मतलब second group win करेगा तो उसकी probability ये है कि वो new product launch करेगा तो फिर कह रहा है if second find probability that new product is introduced find probability that new product is introduced by second group हमें क्या निकालना है probability that a new product is introduced by second group तो बोलो जी ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नहीं देखो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि दो ग्रुप हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू अगर ग्रुप वन जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है या फिर ग्रुप टू जीत जाए अब दोनों अगर जीतेंगे तो दोनों जीतने के बाद क्या करेंगे दोनों ही जीतने के बाद एक कॉमन काम करेंगे कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे न्यू प्रोडक्ट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बोलो yes. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप हमको ये निकालना है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया किसने सेकंड ग्रुप ने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो यानी मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बाय सेकंड ग्रुप ठीक है तो क्या होगा इवन हो गया फर्स्ट ग्रुप विंस अभी रोशन समझ में आया कि नहीं ई टू है सेकंड ग्रुप विंस अदिति आपको आ गया समझ में और ए है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्वेश्चन ने दे रखा है हमको इट इज 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है इट इज 0.4 और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड जब फर्स्ट ग्रुप विंस इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है
0.7. फिर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस जब सेकंड ग्रुप विंस, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3. तो अब आपको निकालना है सेकंड ग्रुप विंस यानी E2 by A निकालना है, ठीक है जी। रोशन समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा उसमें E2 की टर्म्स आएंगी, E2 प्रोबेबिलिटी A by E2 और नीचे दोनों आएगा E1 into A by E1 प्लस E2 into A by E2। अब कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। वैष्णवी बोलो तो क्या आंसर है इसका? 2/9 ये आंसर आएगा जी। आपने पीछे आंसर वेरीफाई किए हुए हैं वैष्णवी? ओके फाइन। क्या हुआ? ओके ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। सबने कर लिया? अदिति आपका हो गया पिछला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। आरुषि आप बताओ, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट्स 5 or 6, शी टॉसेस ए क्वाइन 3 times, यानी अगर 5 or 6 या 6 आ गया तो क्वाइन को 3 times टॉस होगा। अगर 5 आया या 6 आया तो क्वाइन हम 3 times टॉस करेंगे, क्वाइन टॉस्ड 3 times। और अगर 1, 2, 3, 4 आया तो क्वाइन टॉस होगा, क्वाइन टॉस्ड कितनी बार कह रहा है? इफ 1, 2, 3, 4 आया तो शी टॉसेस ए क्वाइन वंस, तो क्वाइन सिर्फ 1 times टॉस होगा। तो फिर क्वेश्चन ने बोला है कि इफ़ शी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 head, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3, 4। तो इवेंट हमारा हो गया, एक इवेंट हो गया E1 5 or 6 और E2 हो गया 1, 2, 3, 4 और 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें दे रखा है 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें दे रखा है 4/6 और ए आपका हो गया हेड ऑन क्वाइन, हेड ऑन क्वाइन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आरुषि ए बाय इवन बताओ क्या होगा, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है आपको? अगर 5 or 6 है तो क्वाइन 3 times टॉस होगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्वाइन 3 times टॉस होगा तो हेड क्या होगा, हेड आने के लिए पॉसिबिलिटी हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/8। बोलो ठीक है कि नहीं? अदिति आपको आया समझ? ओके ठीक है। फिर ए बाई ई टू का मतलब है फिर से हेड आएगा क्वाइन पे और क्वाइन को हम 1 times टॉस करेंगे, तो 1 times टॉस करेंगे तो हेड सिर्फ 1 times आएगा, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 1, 2, 3, 4 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, विच इज़ E2। तो PE2/A निकालना है फिर से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो फॉर्मूला लगा लो, E2 की टर्म्स आएंगी A/E2 डिवाइडेड बाय PE1, फिर A/E1
प्लस पी टू इंटू में पी ए बाई टू। तो अब आप वैल्यू डाल लो बस। तो बोलो वैष्णवी, क्या आंसर था इसका? 8/11। सबको समझ में आया? अदिति, आ गया समझ में? ओके फाइन। मुस्कान? यस सर। ठीक है, डन हो गया, नेक्स्ट करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कराया था क्या? वैसे तो इजी है क्वेश्चन, चलो टेकअप कर लेते हैं फटाफट। कैरलिन, कोई प्रॉब्लम अभी तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, वेयर एज द अदर टू ऑपरेटर बी एंड सी प्रोड्यूसेस 5% and 7% डिफेक्टिव आइटम्स। A is on job for 50% of the time and B is on job for 30% of the time and C is on job for 20% of the time. फिर कह रहा है ए डिफेक्टिव आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड, वट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई ए? तो सबसे पहले इवन हो जाएगा आइटम प्रोड्यूस्ड बाई ए, आइटम प्रोड्यूस्ड बाई ए, ये इवन डिफाइन हो गया। ऐसी ई टू हम डिफाइन कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है ना, मतलब 3 लोग हैं, ऐसे ले लो ए बी और सी, ये आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ए क्या है? 50%। 50% ये कह रहा है ही इज, ए इज ऑन जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। 50% ऑफ द टाइम मतलब प्रोडक्शन का 50% यही निकाल रहा है ए। बी जो है, बी इज 30% एंड सी के लिए 20%। तो ए बी सी का तो ये बोल दिया उसने, ये हो गया 30% इसका और ये हो गया इसका 20%। अब इसमें से जो इन्होंने प्रोड्यूस किया, तीनों ने कॉमन क्या है, तीनों का कॉमन है कि डिफेक्टिव आइटम, जो भी इनका प्रोडक्शन है उसमें से कुछ आइटम्स डिफेक्टिव हैं, तो वो हमारा ए हो जाएगा। मतलब इसको हम E1 बोलेंगे, इसको हम E2 बोलेंगे, इसको हम E3 बोलेंगे और जो तीनों में कॉमन है वो हमारा A हो जाएगा। ठीक है, तो अब E2 हम डिफाइन कर लेते हैं, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय B, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय B, और E3 हो गया आइटम प्रोड्यूस्ड बाय C, और A हो गया डिफेक्टिव आइटम। तो प्रॉबिलिटी ऑफ E1 हमें दे रखा है 50% है, प्रॉबिलिटी ऑफ E2 भी हमें दे रखा है 30% है, प्रॉबिलिटी ऑफ E3 भी हमें दे रखा है 20% है, और A बाई E1 डिफेक्टिव बाई डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो ए कितने आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है? 1%। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव, तो ये हो जाएगा 1/100। और ए बाई E2 भी आपको दे रखा है क्वेश्चन ने, ये दे रखा है 5% एंड ए बाई E3 हो गया 7%। बस अब तो आपको क्या निकालना है, E1 बाय A निकालना है बस। इसके आगे कैलकुलेशन भी, फार्मूला भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके आगे आपको पता ही है, फार्मूला लगाना है और वैल्यू लगानी है। ठीक है जी, हो जाएगा? बोलो, चलो ठीक है, डन हो गया यहाँ तक सबका? यस सर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, 12 और 13 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं हमारे पास टोटल। अब इन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हमारा लॉस्ट हो गया, 52 कार्ड्स हैं और वो कह रहा है कि वन कार्ड इज़ लॉस्ट। फिर जो हमने रिमेनिंग कार्ड है उसमें से हमने दो कार्ड ड्रॉ करे हैं लॉस्ट जो हो गए उसके बाद, यानी सबसे पहले इवेंट क्या हो रहा है, सबसे पहले इवेंट हो रहा है कि वी आर लूजिंग ए कार्ड, तो लॉस्ट कार्ड ये है सबसे पहले इवेंट। ठीक है, फिर जो बच गए कार्ड उनमें से हम क्या कर रहे हैं, उनमें से हम दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों ही कार्ड कैसे होने चाहिए, डायमंड होने चाहिए। क्वेश्चन ने बोला बोथ कार्ड्स आर फाउंड टू बी डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि लॉस्ट कार्ड इज़ ए डायमंड। तो इसमें आप क्या करिए, तो प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, लॉस्ट कार्ड। तो हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, इवन हमने बोला कि लॉस्ट कार्ड या तो डायमंड हो सकता है, लॉस्ट कार्ड क्या है, लॉस्ट कार्ड इज़ डायमंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अदिति, या फिर से बताऊं, लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, ये दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि लास्ट कार्ड जो है डायमंड होना चाहिए, तो हमने उसको डिफाइन कर लिया, लास्ट कार्ड या तो डायमंड हो सकता है या फिर लास्ट कार्ड जो हुआ वो डायमंड नहीं है। तो अब लास्ट कार्ड के बाद हमने फिर दो कार्ड ड्रॉ करे थे, क्वेश्चन ने बोला था फ्रॉम रिमेनिंग, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स टू कार्ड्स आर ड्रॉन, तो बाकी जो कार्ड बच गए उनमें से हमने दो कार्ड ड्रॉ करे हैं, ठीक है, एंड आर फाउंड टू बी डायमंड, और वो दो कार्ड जो हैं क्या थे, डायमंड। तो अब रिमेनिंग कार्ड में से डायमंड निकालना है, तो ए हमने बोला, ए क्या है, ए है डायमंड। तो सबसे पहले प्रॉबिलिटी ऑफ इवन कि लॉस्ट कार्ड हमारा डायमंड है, तो डायमंड हमारे कितने होते हैं, बोलो जी कितने होते हैं, मुस्कान मालूम है आपको, 13 कार्ड होते हैं डायमंड, टोटल 52, तो 1/4 हो गया। फिर जो डायमंड नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, डायमंड नहीं है तो 1 माइनस कर लो, डेट इज़ 3/4 हो गया। ठीक है जी, आ गया समझ में, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ओके फाइन। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि ए बाई ईवन बताओ क्या होगा, ए बाई ईवन का पहले मीनिंग क्या है, ए का मतलब है दो कार्ड डायमंड के निकालना और ईवन का मतलब है जब ऑलरेडी एक डायमंड हम लॉस हो चुका है। ठीक है, तो ए बाई ईवन यानी दो कार्ड डायमंड के, तो डायमंड का एक लॉस हो चुका है तो डायमंड के कितने बचे, बोलो तो ज़रा, 13 कार्ड होते हैं टोटल डायमंड के, उनमें से एक कार्ड हम लूज़ कर चुके हैं, तब कितने बच गए हमारे पास, 12 बचे, तो 12 में से अब दो कार्ड निकाल रहे हैं इसलिए कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि दो कार्ड जो हमने ड्रॉ करे हैं वो विद रिप्लेसमेंट है, अगर विद रिप्लेसमेंट बोला होता तो हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाते, यहाँ पर उसने बोला कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन बोथ आर डायमंड, तो इसका मतलब क्या है, कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो 12C2 ओवर 51C2, 51 क्यों लगाया, कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उनमें से एक कार्ड हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका है। ठीक है, फिर A बाई E2 बोलते हैं, तो A बाई E2 क्या होगा, A का मतलब फिर से दो कार्ड हमने क्या निकाले, डायमंड के निकाले, A का मतलब है दो कार्ड हमने जो निकाले वो डायमंड है, और E2 का मतलब है कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड नहीं है,
E2 का मतलब क्या है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, तो डायमंड के पूरे हैं 13 कार्ड हैं, तो 13 में से हमने दो निकाले हैं और टोटल लेकिन एक कम तो हो ही गया, भले डायमंड का नहीं खोया है, किसी और का लॉस्ट हो गया है, तो टोटल हम 51 ही लेकर के चलेंगे। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? ओके फाइन, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यानी E1 बाय A निकालना है मुझे, तो P E1 बाय A निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, तो इसका फॉर्मूला लगाओ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइडेड बाय E1 इनटू A बाय E1 प्लस E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A बाय E2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास हो गया 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 हमारे पास है, A बाय E1 है 12C2 ओवर 51C2 डिवाइडेड बाय फिर से 1/4 इंटू 12C2 ओवर 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 ओवर 51C2, तो 51C2 और 4 कॉमन लेकर के ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12C2 बचेगा, नीचे यहाँ भी 12C2 बचेगा, प्लस 3 × 13C2 बचेगा, ठीक है जी। और 12C2 को आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखेंगे इसको 12 फिर एक कम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 ओनली, ऐसे नीचे 12C2 को ओपन करेंगे 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 ओनली, फिर हो गया 3 और 13C2 को लिखेंगे 13 × 12 × 11, अच्छा 13 × 12 ही आएगा इसमें भी, दो टर्म तक ओपन होगा बस, 13 × 12 डिवाइडेड बाय 2, ये मैं आपको बता दूँ फॉर्मूला याद दिला दूँ, NC2 अगर कहीं पर है तो हम उसको क्या लिखते हैं, दो टर्म रिड्यूसिंग रिड्यूस करते हैं दो टर्म तक, n और एक कम n-1 और अब यहाँ पर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, अगर NC3 होता तो हम इसको 3 टर्म तक रिड्यूस करते हैं, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, सीधा सीधा आप ऐसे याद रखिए, NC3 है तो 3 टर्म तक रिड्यूस होगा, C2 है तो 2 टर्म तक रिड्यूस होगा, 2 है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 है तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो अब ऊपर नीचे से फिर से कॉमन आ रहा है 12 और अपॉन 2, तो यहाँ पर सिंपली 11 बचेगा, 12 और अपॉन 2 कट जाएगा, यहाँ 11 बचेगा, 12 और अपॉन 2 कट जाएगा, तो 13 × 3 39 बचेगा, तो 11/50 हमारा आंसर होगा, ठीक है वैष्णवी, यही आंसर है? ओके फाइन, हो गया जी सभी का कंफर्म करिए, आप इसी को अच्छे से करो फिलहाल, तो पहले जो करा है उसको तो अच्छे से कर लो, क्योंकि इसके जैसे में आप पढ़ गए तो फिर तो भाई, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन ये बोल दिया, यहाँ पर मैंने ये बोला कि लॉस्ट कार्ड डायमंड वगैरह बोला था, इसकी जगह मैं आपको कह देता हूँ कि लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, यहाँ पर डायमंड की जगह स्पेड यूज़ कर लेते हैं, तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, यहाँ पर भी स्पेड यूज़ हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर भी स्पेड बोल दिया उसने, तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मतलब फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो गया बस।
ठीक है, तो फिलहाल आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिलहाल तो हो गया, डन हो गया आपका? ओके चलो, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? 13 ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। तो ये है सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। फिर क्या हुआ, अब इवेंट क्या है? इवेंट है क्वाइन इज टॉस्ड और ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। तो क्वाइन टॉस किया, तो सबसे पहले इवेंट क्या हो रहा है, क्वाइन टॉस हो रहा है। तो क्वाइन अगर टॉस हो रहा है तो उसमें क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब कुछ भी आया आपके हाथ में, क्वाइन आपने टॉस किया और उसको हाथ में आपने छुपा लिया, आपको भी नहीं पता उसमें क्या है, और आपसे पूछा गया कि बताओ जी क्या है, तो आपने बोला उसमें हेड आया, ठीक है। तो सबसे पहले रिपोर्ट क्या हुआ, रिपोर्ट हुआ हेड। तो हेड आप चेक करेंगे हेड है या नहीं है, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपने क्वाइन टॉस किया, तो दो पॉसिबल आउटकम हैं, उन दोनों आउटकम को आप लिख लेंगे इवेंट्स क्या हैं। इवेंट होंगे या तो हेड आएगा क्वाइन पे, हेड ऑन क्वाइन, या फिर क्या होगा, दूसरा इवेंट क्या पॉसिबल है कि टेल आएगा, ठीक है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने बोला इवेंट हम किसको डिफाइन करते हैं, जो सबसे पहले होता है, ठीक है। फिर ए क्या है, ए है कि उसने रिपोर्ट क्या किया, उसने रिपोर्ट किया कि हेड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मालूम है सभी को, एक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, सभी को मालूम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, ये भी आप लोगों को मालूम है, अगेन इट इज़ 1/2, ठीक है अदिति, यहाँ तक क्लियर है। अब a बाई ईवन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, a बाई ईवन का मतलब है a के रिपोर्ट किया हेड है, और ईवन का मतलब है कि हेड आया कॉइन पे। a क्या है, रिपोर्ट उसने किया हेड है, और ईवन का मतलब कॉइन पे भी हेड आया, तो इसका मतलब क्या बोला उसने, सच बोला कि झूठ बोला, बोलो जी, सच बोला। तो सच बोला, तो सच बोलने की प्रॉबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी है 4/5 है, कि ही स्पीक्स ट्रूथ कितना, 4/5। फिर a बाई ई टू का मतलब क्या है, a बाई ई टू का मतलब है कि a उसने क्या बोला, a उसने बोला कि कॉइन पे हेड आया, a का मतलब है रिपोर्ट किया हेड, और ई टू का मतलब है कि हेड नहीं आया था, टेल आया था। तो इसका मतलब उसने क्या बोला, सच बोला झूठ बोला, झूठ बोला। तो झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 1-4/5 विच इज़ 1/5। तो अब आपको निकालना है, क्या निकालना है कि इट वॉज एक्चुअली ए हेड, तो इवन बाय ए निकालना है बस, प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है कि इट वॉज एक्चुअली ए हेड, इसके आगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। वैष्णवी क्या आंसर है इसका, 4/5, ठीक है, आ गया बच्चों सभी को समझ में। कर लिया, डन हो गया, कैरलिन आपको आ गया समझ, ओके चलें आगे बढ़े, डन हो गया आप लोगों का। चलो एक बार पहले हम इसके जैसा एक क्वेश्चन देखो, ये है सेम इसके जैसा क्वेश्चन, 21st एग्जांपल। आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 पे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम्पल 21 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 21 ये कह रहा है ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दे रखी है, बता सकते हो आप यहाँ पर क्या है सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, 3/4, बिल्कुल ठीक है। फिर है ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6। तो डाई पे क्या रिपोर्ट किया उसने, 6। तो अब इवेंट जब हम डाई टॉस कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक इवेंट तो हो सकता है कि 6 ऑन डाइस, कि डाइस पे 6 आया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है,
कि सिक्स नहीं आया, ठीक है, सिक्स डज नॉट कम ऑन डाई, ये दो पॉसिबिलिटी, ठीक है जी, या तो छः आएगा या छः नहीं आएगा, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा, दैट मींस टेल आएगा, तो सेम विद दिस ऑल्सो, कि या तो सिक्स आएगा या सिक्स नहीं आएगा, और ए क्या है, ए है कि ही रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट क्या किया, ही रिपोर्ट दैट इट इज़ ए सिक्स, ए है रिपोर्ट सिक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी बोलो जी क्या होती है डाइस में, मालूम है आप लोगों को या नहीं, 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, सिक्स नहीं आएगा तो दैट विल बी 1-1/6, तो दैट इज 5/6, और ए क्या है, ए है कि ए बाई ईवन, अगर हम बोलेंगे क्या होगा, ए बाई ईवन विल बी, ए का मतलब है कि सिक्स आया, ए का मतलब है सिक्स आया, और ईवन का मतलब सिक्स आया, ए का मतलब है रिपोर्ट किया सिक्स, और ईवन का मतलब है कि सिक्स आया, तो इसका मतलब उसने क्या बोला, सच बोला, ठीक है जी, तो ए बाई ईवन की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 3/4, और ए बाई ई टू की प्रॉबिलिटी क्या होगी, ए है रिपोर्ट उसने किया कि सिक्स आया जबकि सिक्स नहीं आया, दैट मीन्स झूठ बोला, तो झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी 1-3/4 विच इज़ 1/4, ठीक है जी, तो अब लगा लो फॉर्मूला, आपको क्या निकालना है, इट इज़ एक्चुअली ए सिक्स, तो पी ई वन बाई ए निकालना, बस हो जाएगा क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसके बाद एक ये वाला एग्जांपल और ले रहे हैं, एग्जांपल 20, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए डॉक्टर इज़ टू विजिट अ पेशेंट, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, तो मोड ऑफ विजिट क्या है, ट्रेन या फिर बस या फिर स्कूटर या फिर अदर मींस, ठीक है, तो कितने मोड हो गए, चार मोड हो गए ट्रांसपोर्ट के, ठीक है, या तो ट्रेन से आएगा डॉक्टर, या फिर बस से आएगा, या स्कूटर से आएगा, या फिर अदर मोड से आएगा, फिर क्या क्या है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेन से आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बस से आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और स्कूटर से ये है, और बाय अदर मोड ये है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, तो फर्स्ट केस ये सारे मोड का अलग अलग है लेट आने की, ठीक है, द प्रॉबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन बस एंड स्कूटर, ठीक है, तो ट्रेन का बस का और स्कूटर का दे रखा है कि अगर वो इनसे आएगा तो लेट आने की प्रॉबिलिटी क्या है, बट ही इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही विल नॉट बी लेट, इसका मतलब वो कभी लेट नहीं आएगा फिर, ठीक है, अगर वो अदर मोड से आता है तो वो लेट नहीं पहुंचेगा, टाइम से ही अराइव करेगा, व्हेन ही अराइव्स कह रहा है, फिर आगे कह रहा है व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट, तो जब वो पहुंचा तो वो लेट था, तो प्रोबेबिलिटी बताइए ही कम्स बाय ट्रेन, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि ही कम्स बाय ट्रेन, तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग क्या है, इवन हम लिख लेते हैं, सबसे पहला ट्रेन, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, मुस्कान क्वेश्चन समझ में आया, ई टू क्या है, ई टू है बस, ई थ्री है स्कूटर, और ई फोर हो गया अदर मीन्स,
ई फोर हो गया अदर मीन्स, और ए हमने बोला ए क्या है, ए है ही इज लेट, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इट इज 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू भी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इट इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इट इज 1/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर भी हमें दे रखी है विच इज 2/5, ठीक है जी। और ए बाई ई वन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए बाई ई वन हमें दे रखा है 1/4, ए बाई ई टू हमें दे रखा है 1/3, और ए बाई ई थ्री हमें दे रखा है 1/12, और ए बाई ई फोर क्या होगा, वो कह रहा है कि अगर अदर मीन्स से आएगा तो कभी लेट नहीं होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट आने की प्रॉबिलिटी दैट विल बी 0, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इवन बाय, तो ध्यान देना अपॉन में चार टर्म आएंगी, इवन बाय ए आपको निकालना है, ठीक है जी, हो जाएगा सभी का कंप्लीट। चलो ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन इसको कंप्लीट करिएगा। अब आप ज़रा इन क्वेश्चन को करिए, तो इंटीग्रेशन में आप लोगों को इंटीग्रेशन में स्पेशल, चलो स्पेशल इंटीग्रल हम बाद में टेकअप करेंगे, पहले शुरुआत से ही लेते हैं ना। क्वेश्चन ये ले लीजिए, क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस ए ओवर साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन में कौन बताएगा क्या करेंगे, बोलो जी, आप में से कौन बताएगा कि क्या करेंगे, अदिति आप बता सकती हो क्या करेंगे इसमें, मुस्कान आप बता सकती हो, ठीक है, कैरलिन आप बोलो, ठीक है, आप लगाइए साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, लगाइए सबके सब ऊपर, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लगाइए ज़रा ऊपर आइडेंटिटी, और अपॉन वाले को अलग अलग करिए, लगा दिया, ऐसे हो जाएगा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए, ओके, और अपॉन वाले को अलग अलग कर दीजिए, एक बार साइन एक्स यहाँ करिए और एक बार साइन एक्स यहाँ करिए, बोलो जी यहाँ तक हो गया वैष्णवी, पूरा हो गया आपका, ओके, अदिति मुस्कान आप लोग कंफर्म करो यहाँ तक हो गया, यस सर, तो अब एक टर्म ऊपर से कट जाएगी, साइन एक्स से साइन एक्स, तो क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा सिंपली डी एक्स, और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स साइन ए डी एक्स, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन लगा लो, कॉस ए बाहर आ गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन याद है मुस्कान आपको, बोलो मुस्कान याद है कि नहीं, फॉर्मूले याद कर लो, कोई आपने नोट्स की डायरी बनाई है कि नहीं, yes, तो उसको रखा करो सामने जब भी क्लास होती है, और फॉर्मूले ज़रा याद करिए, ठीक है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आदि थी, आप बोलो याद है आपको, तो आप भी याद करिए, कैरलिन आप बोलो, हाँ
तो इट विल बी लॉग साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसके जैसा क्वेश्चन, अब अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए, ऊपर मैंने लिख दिया साइन एक्स और नीचे बोल दिया साइन ऑफ एक्स प्लस बी बोल दिया, तो अब क्या करेंगे, लॉजिक क्या कहता है बोलो। हाँ, तो सेम ऊपर वाला जो जैसे नीचे था, ये जैसे ऊपर वाला ये क्वेश्चन था, ठीक इसी के जैसा ऊपर इस क्वेश्चन में आप करेंगे, क्या नीचे वाला बेस ऊपर बनाइए, कैसे बनेगा, साइन एक्स के साथ बी ऐड कर लो और बी सब्ट्रैक्ट कर लो। मुस्कान समझ में आ रहा है? ठीक है दीदी, अब इसमें आप फॉर्मूला लगा लो, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी में क्या होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। अब लगाओ ज़रा फटाफट आइडेंटिटी, लगाइए क्या आ रहा है। लगा दी अदिति, आपने लगा दी आइडेंटिटी। मुस्कान कैरलिन, आपने कर दिया, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। वैष्णवी, आपका हो गया, ऐसे लगेगी आइडेंटिटी। मुस्कान और अपॉन वाले को ऐसे ऐसे कर लो, अलग अलग इस तरह से हो जाएगा। लाइक दिस, तो ये टर्म कट जाएंगी, क्या बचेगा, कॉस बी डी एक्स और फिर से कॉट एक्स प्लस बी साइन बी डी एक्स, तो कॉस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, साइन बी कॉन्स्टेंट है फिर बाहर आ जाएगा, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस बी, यही आ रहा आंसर। ठीक है कैरलिन, आपका भी यही आ रहा आंसर। चलो अब इनके बेसिस पे क्वेश्चंस लिख लो जो आप करके मुझे सबमिट करेंगे। मुस्कान अदिति, आपका हो गया, एक तो इसको करेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव ओवर कॉस एक्स, दूसरा कॉस ऑफ एक्स प्लस टू ओवर साइन एक्स, तीसरा कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस फाइव, फोर्थ साइन साइन एक्स ओवर साइन थ्री एक्स और साइन टू एक्स। तो इसमें आप एक्स को ब्रेक करना, थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है जी, एक्स को ब्रेक करेंगे थ्री एक्स माइनस टू एक्स में, फिर कॉस थ्री एक्स साइन फाइव एक्स और कॉस टू एक्स, इस बार थ्री एक्स को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हिंट क्या है, एक्स की जगह लिखना है थ्री एक्स माइनस टू एक्स,
और फिर आइडेंटिटी लगानी है साइन ए माइनस बी की। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x को आपने ब्रेक करना है 5x माइनस 2x में, और फिर आइडेंटिटी लगानी है कॉस ए माइनस बी की। ठीक है जी, ये पांच क्वेश्चन दिए हैं और फॉर्मूले लर्न करिएगा सबके सब, फॉर्मूला लर्न करना है सभी ने। और उसी आपने लिख लिए क्वेश्चन।